सेक्टर एच में बदमाशों ने असलहे के बल पर की लाखों की लूट। ज्वेलर्स की दुकान पर बाइक से आए बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। आशियाना चौकी और थाने से चंद कदम की दूरी पर है दुकान। घर में चल रही ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों का गहना ले उड़े बदमाश। दुकान के मालिक दीपक भी आशियाना थाने पर है मौजूद। पुलिस द्वारा की जा रही पूछताछ सीसीटीवी के डीवीआर को पुलिस ने किया अपने हवाले। फिलहाल 30 से 35 लाख का सामान बताया जा रहा। आशियाना थाने में संजीव सुमन व एसएम कासिम भी कर रहे दुकान मालिक से पूछताछ। पुलिस का मालिक से कहना है कि 6 से 7 दिन का समय दीजिए। अमन लेखनी से संवाददाता सरफराज खान। सर आज आशियाना थाने में सर एक ज्वेलर्स की दुकान पर लूट हुई है, क्या है पूरा मामला सर? आज लगभग दोपहर 3:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि एक ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई है। तत्काल मौके पे पुलिस के डिफरेंट मशीनरीज वहाँ पहुँच गई। सब ने जाके पूछताछ की है, वादी से बातचीत हुई है। वादी ने यह बताया है कि तीन लोग, कुछ लोगों ने किसी ने मास्क पहना था, किसी ने हेलमेट पहना था, वो लोग आए। पहले वो ग्राहक बनकर उनसे पूछताछ कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने तमंचे के बल पर लूट की है। इसमें ये गौरतलब है कि ये जो दुकान है इनकी, वो इनके मकान का ही एक पार्ट है। यहाँ पे कोई भी ज्वेलरी के अन्य शॉप्स नहीं है, वो अकेली दुकान है और इस पे पुलिस की सारी टीम्स लगी हुई हैं। हम लोग शीघ्र ही इसका अनावरण करेंगे। सर कितनी टीमें लगाई गई हैं सर जांच के लिए, क्या लगता है कब तक सर घटना का खुलासा? 5 या 6 टीम लगी हुई है हमारी कुल और हम लोग सीसीटीवी के थ्रू ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों भी जो नेसेसरी प्रोसीजर्स हैं वो फॉलोअप कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सब खुलासा। कितने की लूट हुई है सर लगभग, क्या लगता है क्या क्या गया है दुकान से? अभी वादी से बात हुई है, वादी का कहना है प्रथम दृष्टया उन्होंने अभी पूरे फिगर्स बोले नहीं, वो कह रहे हम लोग खुल के FIR में लिखेंगे। आशियाना इलाके में सर इसके पहले भी चौराहे पे सर शकुंतलम ज्वेलर्स के यहाँ भी एक भारी लूट हुई थी, अभी भी सर एक भारी लूट हुई है, क्या लगता है इसके बाद सर कोई एक रणनीति तैयार करी जाएगी सर इसके लिए? देखिए ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये मेरे संज्ञान में नहीं है, ये की बात है, हो सकता है पुरानी बात हो। फिलहाल हम लोग इस केस से इंटरेस्टेड हैं और इस केस में हम लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ लगे हुए हैं और हम लोग शीघ्र ही कोशिश करेंगे कि इसका अनावरण। ठीक, थैंक यू सर। दुकानदार का जो है बच्चे को और उनके दुकानदार का दोनों को बंधक बनाया गया, दुकानदार मुख्य बंधक थे, बीच में बच्चा भी आ गया। बच्चे की उम्र कितनी सर थी? लगभग 12 साल 11 से 12 साल। लूट में क्या क्या गया फिलहाल? ये कैलकुलेट करके बता पाएंगे हम आपको, अभी हमने देखा नहीं है। लगभग सामान मेरे पास सामने था, वो सामान लेके गए। वजन में लगभग कितनी चांदी थी? कॉलोनी में मोटरसाइकिल से है, तीन लोग मोटरसाइकिल से गए हैं, बच्चे ने उन्हें देखा भी है, आधा नंबर भी नोट किया है, हम लोगों ने उससे भी पिस्टल दिखाई। मौके पर कौन कौन था? आप थे, बच्चा था आपका? मैं था, बच्चा था।